मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन साजन साजन, मेरे साजन मेरे साजन। आ गया मजा? इतना ही मज़ा आना चाहिए पढ़ाई में, जितना मज़ा गाना सुनने में आपको आता है ना, उतना ही मज़ा पढ़ाई में आना चाहिए। तब जैसे गनवा याद रहता है, वैसे पढ़ाईवा याद रहेगा। कितना लड़का गाना सुन लेता है, पढ़ाई हटा देता है। जा क्या जमाना है, अरे गाना हटा दो लेकिन पढ़ाई सुन लो। हैं तो चलिए भैया, क्रैश कोर्स 2023 में आपका बहुत बहुत स्वागत। कैलकुलस का डिफरेंशिएशन पार्ट लेकर हम बढ़ रहे हैं। एक अहम क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, 2 नंबर के लिए। वाई बराबर साइन इनवर्स कॉस एक्स, प्रूफ दैट dy/dx बराबर -1। ये सवाल में जो भी है ट्रिगोनोमेट्री है, कैलकुलस कुछ नहीं है। कहिएगा सर कैसे, तो बताते हैं। कैसे y बराबर दिया है साइन इनवर्स कॉस एक्स। अब अगर मैं चाहूं कि इस फंक्शन को ऐसे लिख दूं कि y बराबर साइन इनवर्स एंड कॉस एक्स को अगर मैं चाहूं कि साइन 90° माइनस एक्स लिखूं, तो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? सोच के बोलिए। साइन 90° माइनस थीटा कॉस थीटा पढ़ क्या है 10th क्लास में, साइन 90° माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा पर है ना। तो फिर तो साइन 90 माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स आ जाएगा, तो हम कॉस एक्स के चलते इतना लिख सकते हैं। अब कहिएगा कि कहला लिखे फायदा क्या हुआ, तो देखिए फायदा बताते हैं एन ए मैदा लगा के। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कथी हो एक्स, ऐसा आपको पढ़ाया गया है 12 क्लास के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में। तो साइन इनवर्स साइन को, साइन का दुश्मन है, मर गया मार दिया, एक्स बच गया। तो साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, यहाँ पे बच गया वाई बराबर साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, बच गया क्या, तो π/2 - x। अवकलित करने पर का मतलब डिफरेंशिएशन करने पर ना, अवकलित करने पर एक्स के सापेक्ष, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अंग्रेजी मीडियम वाले भैया जी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर। तो ये हो गया dy/dx, π/2 कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 90° होता है, एंड d/dx एक्स। नीचे लिख सकते हैं कि नहीं, अब नहीं लिख सकते हैं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाइए, थोड़ा सा तो बचा है। तो ये हो गया हुआ dy/dx बराबर π/2 कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आपको बताया गया, किसी भी संख्या का 4 का 0, 5 का 0, 6 का 0, 50 का 0, कोई भी नंबर है उसका d/dx 0 एंड x का डिफरेंशिएशन 1 और बीच में माइनस जिंदाबाद। तो इसीलिए रिजल्ट आ गया कुल मिलाकर dy/dx जब 0 में 1 घटेगा तो रिजल्ट तो -1 ही रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं यही तो प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, तो लिख दीजिए प्रमाणित प्रूव्ड। तो इस तरह से ये सवाल बहुत आसान था, बस थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री। हाँ बार बार मैं कहता हूँ और आज फिर कह देता हूँ, अगर कैलकुलस का एक अच्छा विद्यार्थी आपको बनना है, तो प्यारे बच्चों आपसे आग्रह है, आपसे विग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप
त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं टेंथ क्लास का या वो एलेवेंथ का ट्वेल्थ का, खास करके इलेवेंथ का जितने भी सूत्र है उसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, और अगर हो सके तो उसका प्रूफ भी आप जानिए, आपको बहुत मदद मिलेगा कैलकुलस में, ठीक है। इसके लिए हम इलेवेंथ क्लास का वीडियो जो डालते हैं उसमें पूरा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला प्रूफ करके डाल चुके हैं, आपको ज़रूरत होगा तो प्लेलिस्ट के माध्यम से मेरा इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल खोलिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको क्लास इलेवेंथ मिलेगा, उसमें आप सर्च कर लीजिए साइन 2a कॉस 2a टेन 3a जो भी फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का सब प्रूफ कर करके दिया गया है, तो वहाँ से देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही, फिर एक प्यारा सा वीडियो लेकर आपसे मिलते हैं। बढ़िया से पढ़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए। थैंक यू।